जहरीली शराब से मौत के बाद अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है, जहां आज अरवल के माले के विधायक महानंद सिंह सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, तो वहीं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी बिहार से पहुंच गए हैं। मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नालंदा में शराब माफिया इस कदर हावी है, जिसका नतीजा है कि आज शराब पीने से 11 लोगों की जान चली गई है और जिला प्रशासन आंकड़ा छुपाने में जुटी है। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र हरनौत में शराब मिल रहा है, शराब की घर घर होम डिलीवरी हो रही है और सीएम साहब शराबबंदी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका निर्णय पर अपनी आपत्ति जता चुकी है। आज जिला प्रशासन आंकड़ा छुपा रही है, कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया जाएगा ताकि किसी भी मृत व्यक्ति में शराब पीने की पुष्टि न हो सके। 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, अपराधी पुलिस की पकड़ के बाहर है। यह कैसा सुशासन है? पुलिस शराब और बालू के पीछे लगी हुई है और अपराधी आए दिन लूट, हत्या, अपराध, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्वर्ण रानी के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। ये भी कार्यक्रम में डालेंगे, अभी यहाँ 20,000 दिया गया है सबको, 55,000 रुपया। इसकी पत्नी भी विकलांग है सर, उसके लिए क्या? ये पहले जो कर सकते हैं हमारे हमारे नेता राजू दानवीर जी ने पहले बोला कि पहले इनकी जीवन बचा ले, उसके बाद फिर हम लोग लाइव देखेंगे। तो हमारे नेताओं के द्वारा, जिला हमारे नेता के द्वारा 20,000 रुपया सभी परिवार को दिया। कोई आंसू तक सूखे, 11 मौत, जान सस्ती, शराब महंगी, जान सस्ती, कोई सबसे ज्यादा शराब बिहार में यदि कहीं है तो ये नालंदा हरनौत। हम कई बार कह चुके हैं कि शराब की डिलीवरी सबसे ज्यादा यहाँ माफिया, शराब माफिया यहाँ पर और जमीन माफिया यहाँ पर आतंक मचा के रखे हैं, और गिट्टी माफिया सबसे ज्यादा शराब माफिया। और सरकार के संरक्षण में पूरा प्रोटेक्शन पुलिस प्रशासन, कितनी जान के बाद शराब बंद होगी या ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, पूरे परिवार को 10,000 रुपया अकाउंट में डालेंगे और ये लड़ाई कोई नेता, कोई सिस्टम, कोई पदाधिकारी लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व है, सबके पैसे इन्वॉल्व है और सब शराब से पैसे कमाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रुक गई, चार्जशीट रुक गया, आम आदमी की सुरक्षा रुक गई, सब शराब शराब, हर हाथ में ड्रग्स है, स्मैक है, फोरक्स है, व्हाइटनर है, हर यूथ के हाथ में। एशिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स यदि कहीं आज धंधा हो रहा है, सेवन हो रहा है, तो वो बिहार है सबसे ज्यादा। पता नहीं हम किस लड़ाई की बात कर रहे हैं, कौन सा हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम पर बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत कानून बनाते हैं और फिर आप आते हैं किसी का बेल तोड़वाने के लिए। हम आ गए और बीजेपी तो जंग लड़ रही है नीतीश कुमार से, बीजेपी के अध्यक्ष कहेंगे आइए नालंदा देखिए, यहाँ की मौत देखिए और दीजिए लाकर यहाँ आकर के 1,00,000 रुपया। जब एडवर्टाइजमेंट पर पैसे की कमी नहीं है तो इस परिवार को दे। ये लड़ाई हम अंतिम तक पहुंचाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे 11 मौत के क्या गरीबों की, दलितों का जान जानवर से भी सस्ता हो गया, और फिर इसको दबा देना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर देंगे। वोमिटिंग शराब की 15 तारीख को अवैध शराब पीने की बात सामने आई थी और 15 तारीख से लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई, अभी तक 11 लोगों की मृत्यु हुई है और प्रथम दृष्टया
हालांकि अभी पोस्टमार्टम और विस्तृत रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन प्रथम दृष्टया और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अवैध शराब का सेवन किया है, और इसकी फाइनल पुष्टि हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोग उसी को मानते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक पूरे ज़िले में हम लोगों ने 184 लीटर चुलाई शराब, 225 लीटर विदेशी शराब और 34 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसके साथ साथ इस एरिया में भी बृहद छापेमारी की गई है, पूरे पहाड़ी को अलग अलग छोटे क्षेत्रों में बांट करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करके रहते हैं और इस तरह का अवैध व्यापार करते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, और उनके अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए भी 1 से 2 दिन में नोटिस निर्गत किया जाएगा, और अगर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो वैसे सभी अवैध व्यापार करने वालों को चिन्हित करके उनके घर को भी हटाया जाएगा यहाँ से, इस पहाड़ी क्षेत्र से। कितना मामला दर्ज किया गया अभी तक 6 FIR कर दिया गया और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर कुछ लिंक मिले हैं सर कि ये जो शराब जो आए तो कहाँ से आए थे? बिल्कुल, अभी लिंक खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अधिकतर लोग अभी फरार हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे ही लिंक मिलेगा आप लोगों को हम लोग सूचित करेंगे। क्या क्या मिला था? जो बरामदगी हुई है उसमें देशी शराब, विदेशी शराब के अलावा टेट्रा पैक मिला है, एक बोरा जिसमें 2400 पैकेट पैकेजिंग मटेरियल था, और छोटा पैकेजिंग मशीन और स्पिरिट वगैरह की बरामदगी हुई है। सर किस तरह का ये मिश्रण था जिसकी वजह से इतनी जानकारी? देखिए वो तो केमिकल रिपोर्ट के एनालिसिस पे ही आएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि स्पिरिट का सेवन कराया गया। सर उत्पाद में इसमें लापरवाही बरती है, जो भी लापरवाही किए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को सस्पेंड ऑलरेडी कर दिया गया है, उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों से भी शोकॉज किया गया है, और सबकी लापरवाही चिन्हित करते हुए कार्रवाई हम लोग